और अभी की एक बड़ी खबर आपको इस बीच हम बता दें, समरकंद में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात अभी तय नहीं, लेकिन उससे पहले ही इस पर सवाल उठ गए। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वो कहते हैं कि पीएम मोदी को चीन के राष्ट्रपति से नहीं मिलना चाहिए। ओवैसी के मुताबिक जब तक लद्दाख से चीन की सेना पूरी तरह नहीं हटती तब तक पीएम मोदी को शी जिनपिंग से नहीं मिलना चाहिए। ओवैसी ने यह सवाल भी पूछा कि शी जिनपिंग से पीएम मोदी को क्या मोहब्बत है। जब तक पीएलए चीन की फौज डेपसांग और डेमचॉक में रहेगी प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कोई घुसा नहीं है तो वो तो घुसे हुए। जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो क्या हम उनसे मिलकर क्या हम उसको कर लेंगे? और याद रखिए, प्रधानमंत्री बार बार, प्रधानमंत्री हो रक्षा मंत्री सब ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, के स्टेटस को एंटी रेस्टोर होना चाहिए, कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, मेरी राय है कि प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए जब तक के डेपसांग और डेमचॉक से चीन की फौज नहीं हटेगी और डीएस्केलेशन नहीं होगा। डीएस्केलेशन जरूरी है, डिसएंगेजमेंट नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।